दोस्तों अगर आप CSIR नेट, UGC नेट, CTET, UPTT और UP बेसिक टीचर्स एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए अब हमारे कोर्सेज अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी उपलब्ध हैं। डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और सर्च कीजिए ज्ञान प्रकाश या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो कीजिए और यहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं और हमारे सबसे बेहतर कोर्सेज को देख भी सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं और इसमें रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 4 अक्टूबर रखी गई है। और जब आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो यहां पर जो फॉर्म है, इस फॉर्म को भरने के लिए आपसे जो ID मांगी जाती है, यानी कि फोटो पहचान पत्र का प्रकार, तो उसमें 3 प्रकार की ID आपसे मांगी गई है। इस बार आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड का विकल्प हटा दिया गया है और मैक्सिमम जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनके पास आधार कार्ड होता है और वोटर ID कार्ड होता है। तो जिनके पास इस बार आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड नहीं है वो लोग कैसे आवेदन करेंगे, एक बड़ी समस्या उनके लिए शुरू हो गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो 3 IDs आपसे मांगी जा रही हैं उसमें DL है, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस, दूसरा है पैन कार्ड और तीसरा है आपका पासपोर्ट। सबसे आसान और सबसे तेज गति से आप अपना पैन कार्ड ही बनवा सकते हैं या फिर इसे आप खुद जनरेट कर सकते हैं। और इस पैन कार्ड को बनाने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, आप अपनी मोबाइल से या फिर अपने PC से ही आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 3 से 4 दिन के अंदर आपका जो है पैन कार्ड नंबर वो ईमेल पर आ जाएगा। जो भी ईमेल आईडी आप देंगे उस ईमेल आईडी पर आपका पैन कार्ड नंबर आ जाएगा। उस पैन कार्ड नंबर को यहाँ पर डालकर आप अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। परीक्षा की जो तारीख है वो 4 नवंबर रखी गई है, तो 4 नवंबर से पहले पहले आपका जो ओरिजिनल में पैन कार्ड होगा वह डाक से आपके घर तक पहुंच जाएगा ऑटोमेटिक। और इसमें आपको ज़्यादा फीस नहीं देनी होती है, सबसे पहली बात ये होती है, मात्र 112 रुपये ही फीस रखी गई है, यानी कि कुल मिला के 112 रुपये में खुद आप अपना जो है पैन कार्ड बना सकते हैं। और इसमें क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, तो सबसे पहले तो आप अपना जो है आधार कार्ड का नंबर एक जगह नोट कर लीजिए और इसके बाद ज़रूरत पड़ेगी आपको आधार कार्ड बनवाते समय आपने जो मोबाइल नंबर दिया था, क्योंकि उसी पर एक OTP आएगी। जब आप अपना आधार कार्ड डालेंगे तो आपका पूरा डाटा जो है आधार कार्ड से ही लिया जाएगा और उसको वेरीफाई करने के लिए आपने जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड बनाते समय दिया था अपने आधार कार्ड से लिंक, उस पर एक OTP आएगी, तो वो वाला मोबाइल नंबर चाहिए। एक ईमेल आईडी चाहिए जो कि वर्किंग में हो, क्योंकि आपको जो है पैन नंबर इसी ईमेल आईडी पर आएगा। और एक डेबिट कार्ड चाहिए आपको जिससे आप पेमेंट कर सकें। तो ये 4 चीज़ें आप रख लीजिए और जब चारों चीज़ें आपके पास हो जाएं तो आप अपने मोबाइल का ब्राउज़र ओपन कीजिए और वहाँ पे आप सर्च कीजिए पैन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई, पैन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई, ठीक है, इसको आप सर्च कीजिए। अगर आपके पास PC है तो PC में सर्च कीजिए और अगर आपके पास PC नहीं है तो इसे आप जो है अपनी मोबाइल का जो क्रोम ब्राउज़र होता है उसमें आप इसे सर्च कर सकते हैं और उस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है जिस ऑप्शन के आगे ये लिखा हुआ है ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन NSDL, ठीक है, तो इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एक फॉर्म आपके सामने तुरंत ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्म ओपन और इसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जा गई है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं एप्लीकेशन टाइप, यानी कि प्लीज सेलेक्ट किस टाइप का एप्लीकेशन आप करने जा रहे हैं, न्यू पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म 49A या फिर न्यू पैन फॉरेन सिटीजन फॉर्म 49AA या फिर जो भी है, तो सबसे ऊपर वाला आपको न्यू पैन के लिए यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कैटेगरी के अंतर्गत इंडिविजुअल आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप व्यक्तिगत रूप से अपना पैन नंबर जनरेट करना चाहते हैं। नीचे आपको अपनी टाइटल सेलेक्ट करना है, श्री श्रीमती कुमारी में से जो कुछ भी सूटेबल हो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। और फिर यहाँ पे देखिए सर नेम डालना है पहले, जैसे मान लीजिए अगर आपका सर नेम मिश्रा है, सिंह है, कश्यप है, जो कुछ भी है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे अपना सर नेम डालेंगे, उसके बाद फर्स्ट नेम डालेंगे। मान लीजिए आपका पूरा नाम है रवि कश्यप या फिर आपका पूरा नाम है रवि कुमार कश्यप या रवि कुमार सिंह, जो कुछ भी है, तो आप क्या करेंगे जो लास्ट वाला है उसको सर नेम कहते हैं, तो वो पहले आप डाल दीजिए। ठीक है, ISING सिंह डाल दिया, यहाँ पर फर्स्ट नेम मान लीजिए हो गया रवि, और मान लीजिए कुछ लोग मिडिल नेम नहीं होता है तो इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, तो यहाँ पर कंपलसरी सर नेम है और फर्स्ट नेम है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना होगा और जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ सन 2000 है और वह महीना जो था वो जनवरी का था
और तारीख थी 2, ठीक है। तो ये हो गया, और उसके बाद ये कैप्चा आपको डाल के फिर आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा। तो कैप्चा आप ठीक से डालिएगा, क्योंकि कैप्चा यहाँ पर काफ़ी मायने रखता है, ठीक है। और कैपिटल और स्मॉल लेटर का भी ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपका, और उसके बाद आप जो है सबमिट बटन पर आप जो है क्लिक करेंगे, और यहाँ पर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ये दोनों भी आप ज़रूर डालिएगा, क्योंकि ईमेल आईडी पर ही आपका जो है पैन नंबर आएगा, और मोबाइल नंबर भी कंपलसरी है। तो ये दोनों चीज़ें डालने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक कीजिए, ठीक है। जो है आगे का जो फॉर्म होगा वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो इसके बाद आपका यहाँ पर एक टोकन नंबर जनरेट हो जाता है, और ये टोकन नंबर आपको नोट कर लेना है। हालांकि ये टोकन नंबर आपने जो ईमेल आईडी प्रोवाइड की है उस ईमेल आईडी पर भी भेज दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद आपको नीचे जब आप टोकन नंबर नोट कर लें, नोट करने के बाद ही आगे बढ़िएगा, क्योंकि आगे के जो स्टेप हैं इसके बगैर वो उसको आप पूरा नहीं कर पाएंगे। तो ये टोकन नंबर आप नोट कर लीजिए। उसके बाद कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। तो जो डेटा आपने पहले भरा है वो पहले से ही शो हो रहा होगा, और बाकी की डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी। तो यहां पर आप जो है अगले पेज पर पहुंच चुके हैं, और यहां पर आप देख रहे हैं कि आपको अभी 5 स्टेप और पूरे करने हैं। ये बहुत ही आसान स्टेप है, तुरंत हो जाते हैं, तो इसके लिए आप चिंतित ना हो। यहां पर गाइडलाइंस दी गई है, उसके बाद पर्सनल डिटेल्स, फिर कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल्स, ये अगला पेज होगा, फिर एओ कोड, और फिर डॉक्यूमेंट डिटेल्स, ठीक है। तो यहां पर आप सबको हाउ डू यू वॉन्ट टू सबमिट योर पैन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स, ये ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहला वाला ऑप्शन आपको चूज करना है, सबमिट डिजिटली थ्रू ई केवाईसी एंड ई साइन इन पेपरलेस, ठीक है। तो ये पहला वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिख के आ रहा है कि वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड, तो आप कर दीजिए इसको यस, ठीक है। अगर आप इसको नो करेंगे तो आपको जो है मतलब पैन कार्ड का नंबर आपके ईमेल पर आ जाएगा, लेकिन यह आपके पास डाक द्वारा नहीं आएगा, तो इसको आप यस जरूर कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है, जो कि अगर आप इंडिविजुअली अप्लाई कर रहे हैं तो, और यही जो डेटा होगा वो फेच होगा आपके जो है पैन कार्ड पर भी। तो आप यहां पर आधार नंबर डाल दीजिए, जो भी आपका आधार नंबर है उसको आप डाल लीजिए। चलिए हमने यहां पर अब आधार नंबर को डाल दिया, और उसके बाद नीचे देखिए आधार का जो नाम यहां पे रेड लिख के आ रहा है, इसका मतलब अब सारा डेटा जो होगा वो आधार से ही फेच होगा, अब आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। नेम ऑफ द एप्लीकेंट आप अपना नाम यहां पे सेलेक्ट कीजिए, ये पहले से यहां पे चुना गया है, तो कुछ भी इसमें आपको भरना नहीं है इस बार, ठीक है। नीचे आइए और हैव यू एवर बीन नोन बाय एनी अदर नेम, तो आप यहां पे नो कर दीजिए। और यहां पर देखिए आप अपने माता या पिता दोनों के नाम में से कोई भी एक नाम आपको यहां पे डालना होगा। तो चाहे जो लोग मैरिड वुमेन हैं, यानी कि जो विवाहित महिलाएं हैं, वो भी अपने पिता का नाम यहां पे यूज कर सकती हैं, या फिर माता का नाम भी यूज कर सकती हैं। तो माता का नाम हालांकि यहां पर ऑप्शनल है, पिता का नाम जरूरी है। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, पहुंच गए पर्सनल डिटेल्स पे। ये हो गया आपका दूसरा वाला फॉर्म। अब यहाँ पे आपको अपनी सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, प्रोफेशन, जो कुछ भी आपको है सोर्स ऑफ इनकम आपको दिखाना है। यहाँ पे आप इसको नो इनकम पर क्लिक कर दीजिए, चेक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या आएगा, एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, तो आप रेजिडेंस डाल दीजिए, ठीक है, इस पर आप क्लिक कर लें। और यहाँ पे आपका जो भी होगा रेजिडेंस का एड्रेस, ये ऑटोमेटिकली आपके आधार नंबर से लिया जाएगा, तो आपको यहाँ पे कुछ भी डालना नहीं है। और ऑफिस एड्रेस ये तो पहले से प्रोविडेड है, आपने यहाँ पे चेक नहीं किया है, तो आपको सिर्फ एक ही एड्रेस यहाँ पे देना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आप देख रहे हैं कि टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी डिटेल्स, तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको सबमिट करनी है। एक्चुअली आपको हर कॉलम को ठीक से देखते हुए आगे बढ़ना है, और जो चीज़ें आपसे मांगी जा रही हैं और वो फिल करने के योग्य होंगी तो उसमें आप डाटा फिल कर पाएंगे। जो फिल करने के योग्य नहीं होंगी, यानी कि जो डेटा आपके आधार कार्ड से लिया जाएगा उसको आप फिल नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल यही है। अब यहाँ पे टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी डिटेल्स, तो यहाँ पर हमने पहले से डाल रखा है। अब कंट्री कोड आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, और क्योंकि इंडिया है तो आप यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। बाकी जो आपने पहले मोबाइल नंबर दिया था वो मोबाइल नंबर पहले से यहाँ पर शो हो रहा है, ईमेल आईडी भी पहले से शो हो रही है। और उसके बाद आता है रिप्रेजेंटेटिव एक्सेस, तो इसको नो है तो नो पे ही रहने दीजिए। उसके बाद अब नेक्स्ट पे आप क्लिक कीजिए। तो 3 स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, गाइडलाइंस, पर्सनल डिटेल्स और कॉन्टेक्ट एंड अदर डिटेल्स। उसके बाद आप पहुंचे हैं एओ कोड पर। तो देखिए फ्रेंड, जहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड और एओ नंबर, ठीक है। तो इनके बारे में अगर आपको पता नहीं है तो आप नीचे ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इसके माध्यम से आप इसे पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप जिस प्रदेश के निवासी हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा इंडियन सिटीजन है, तो इंडियन सिटीजन पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपने स्टेट का चुनाव करेंगे,
जिस स्टेट में आप रहते हैं उस स्टेट का आपको चयन करना होगा, और उसे जब आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपकी सिटी ओपन हो जाएगी। सिटी ओपन होने के बाद जब आप सिटी को अपना चयन करेंगे तो यहाँ पर पूरा डिटेल शो होने लगेगा कि आपके शहर में कौन कौन से एओ कोड हैं, यानी कि एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड और एओ नंबर, ये सब कुछ आपको यहीं पर मिल जाएगा। तो आप यहाँ से इसको फाइंड आउट करके ये सारी चीज़ें आप सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद अगला वाला ऑप्शन आता है डॉक्यूमेंट डिटेल्स। तो डॉक्यूमेंट डिटेल्स में जैसा कि आपने पहले से ही यहाँ सबमिट किया हुआ है, क्या आधार नंबर और प्रूफ ऑफ एड्रेस के तौर पे भी आपने आधार नंबर, यानी कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, तीनों के रूप में आपका आधार कार्ड का डाटा लिया जाएगा। और उसके बाद नीचे आपको डिक्लेरेशन पे क्लिक करना होगा, आई वी रवि सिंह द एप्लीकेंट इन द कैपेसिटी ऑफ, ठीक है, यहाँ पर सेलेक्ट करके आप हिमसेल्फ हरसेल्फ पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर प्लेस यानी कि जहाँ पर आप फॉर्म भर रहे हैं उस सिटी का नाम या फिर लोकल जो एरिया होगा उसका नाम और शहर का नाम डाल दीजिए। डेट ऑटोमेटिकली हो जाएगी, फिर आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जब आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप पहुंच जाएंगे पेमेंट गेटवे पर, ठीक है। पेमेंट गेटवे पर पहुंचने के बाद आपको पेमेंट करना होगा, कितने रुपए का, 112 रुपए का पेमेंट करना होगा। और जब पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा देन आफ्टर आपके जो है रिलेटेड जो मोबाइल नंबर यानी कि जो आधार कार्ड आपने दिया है आधार नंबर, उस आधार नंबर को बनवाते समय आपने जो मोबाइल नंबर दिया होगा उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी, और उस ओटीपी को आपको सबमिट करना होगा, और फिर ये फॉर्म कम्प्लीटली आपका सबमिट हो जाएगा। और उसके बाद आपका जो ईमेल आईडी है, जो ईमेल आईडी आपने डाली है, उस ईमेल आईडी पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा जाता है कि आपने अप्लाई कर दिया है, और अगले 3 से 4 दिन के अंदर ईमेल पर भेज दिया जाता है। हालांकि जो फिजिकल रूप में बाय पोस्ट आता है उसके आने में आपको 20 से 22 दिन का समय लग सकता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपना जो है पैन कार्ड जनरेट कर सकते हैं, और आपको आपका पैन नंबर 3 से 4 दिन के अंदर आपकी ईमेल आईडी पर मिल जाता है। उस नंबर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं फॉर्म भरने के लिए, और जब परीक्षा के दौरान आपको आईडी कार्ड के रूप में आपसे पैन कार्ड मांगा जाएगा तब तक आप डाक के द्वारा आपका जो पैन कार्ड है वो आप तक पहुँच चुका होगा, और आप उसको शो भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप आसानी से कर सकते हैं अपनी मोबाइल के द्वारा भी, और मोबाइल पर भी आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है क्योंकि इसमें फ़ोटो टू अपडेट करने की आवश्यकता नहीं होती है। फ़ोटो जो होता है और सिग्नेचर जो होता है ये आपके आधार कार्ड से ही लिया जाता है, इसमें सिग्नेचर भी आपको शो नहीं होगा क्योंकि आधार कार्ड पर सिग्नेचर नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ये तरीका होता है जिस तरीके से आप आसानी से अपना पैन कार्ड जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये विधि आपको समझ में आ गई होगी, और अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, और उम्मीद करता हूँ कि इसे आप अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे क्योंकि इस समय पैन कार्ड बनाना लोगों के लिए एक समस्या हो रही है और बहुत सारे लोग बहुत टेंस्ड हैं, तो उनकी टेंशन को आप दूर कीजिए। ये वीडियो आप अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।